इवनिंग बच्चों, दिस इज संतोष श्रीवास्तव फ्रॉम सुपर 60 एजुकेशन हब। टुडे अगेन आई एम विद क्लोज टेस्ट पैसेस एंड यू विल हैव टू शो योर पोटेंशियल, योर कैलिबर, योर इंटेलिजेंस, योर विजडम टू सॉल्व दिस पैसेस। इफ यू वांट टू क्वालिफाई फॉर योर एग्जाम्स, देन सर्टेनली यू विल टारगेट दिस पैसेस एंड ट्राई योर लेवल बेस्ट। माई विशेज आर विद यू एंड I will always try my level best as well so that I can help you succeed in your exams. So let's try. This is the closed test passage and you will have to answer or you will have to fill in the blanks where there is the need. So let's try. New York's tallest building is the Empire State Building, which stands on 5th Avenue, New York, between 33rd Street and 34th Street. It was thus, this is the first thus, it was thus on the site of the Waldorf Astoria Hotel and took 410 days thus complete. The building was opened on 1st May 1931 by remote control when President Herbert Hoover dashed a button in Washington, D.C. The spire on the top was designed as an airship mooring mast, but after a German airship, the Hindenburg, burned at its mooring mast in New Jersey in 1937, the mast was thus used. For more than 40 years, the Empire State held the thus as the world's tallest office or apartment building. This is the passage in which you are told that it is described about the tallest building of New York, the Empire State Building. And there are some gaps, means words that you will have to fill here. So let's try. New York's tallest building, yani New York is jo sabse lambi, not sabse huge, sabse lambi building jo hai, is the Empire State Building. Ye naam hai building ka, is the Empire State Building. Which stands, जो खड़ी है on 5th Avenue, पांचवे Avenue पर, Avenue means मार्ग होता है, 5th Avenue, New York, between 33rd Street and 34th Street, और ये कहाँ स्थित है, ये 33वीं और 34वीं जो स्ट्रीट है, उनके बीच में ये स्टैंड कर रही खड़ी है, कौन सी बिल्डिंग, Empire State Building, okay? ये इसका डिस्क्रिप्शन हो गया, इनके बारे में उन्होंने बता दिया, ओके? नाउ इट वाज दैस ऑन द साइट ऑफ द वाल्डोर्फ एस्टोरिया होटल। इट वाज दैस, हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। इट वाज बिल्ट होगा, इट वाज बिल्ड होगा, इट वाज बिल्डिंग होगा, या इट वाज इरेक्टेड होगा। बिल्ट, बिल्ड और बिल्डिंग आप जानते हैं निर्माण करना, बनाने से संबंधित है, इरेक्ट खड़े करने से संबंधित है किसी चीज को, तो कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा यार? फॉर यू विच इज द बेस्ट ऑप्शन अमंग दीज फोर वर्ब्स, क्या लेना चाहेंगे, इट वॉज बिल्ट होगा या इट वॉज बिल्ड होगा? देखिए इट वॉज बिल्ड तो कभी नहीं होगा, ये एलिमिनेशन सिस्टम आप धीरे धीरे सीखें, क्योंकि इट वास के बाद बिल्ड कभी नहीं हो सकता, क्योंकि या तो आप आईएन से फॉर्म लेंगे या थर्ड फॉर्म, तो बिल्ड नहीं आना है। इट वास बिल्डिंग, अगर आप सोचेंगे तो क्या बिल्डिंग हो सकता है, क्या वो बिल्डिंग बना रही थी क्या, ना, तो फिर बिल्डिंग का सवाल नहीं, यानी बिल्ड नहीं हो सकता है और बिल्डिंग नहीं हो सकता है। नाउ वी हैव 50-50, मीन्स वी हैव ओनली टू ऑप्शंस, बिल्ट एंड इरेक्टेड, एंड बोथ आर सुटेबल ऑप्शन हियर, means it was built भी हो सकता है, it was erected भी हो सकता है, कौन सा बेहतर है आप? और ये हमेशा याद रखिएगा, closed test जरूरी नहीं किसी एक तुरंत पे निर्भर होता है, बहुत बार उसका answer उसके पहले के lines पर या उसके बाद के lines पे भी depend करता है,
तो ये ध्यान रखिएगा, ये एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जो है ये स्टैंड कर रही है फिफ्थ एवेन्यू पर। तो क्या बेस्ट होगा आपका, इट वॉज बिल्ट, बिल्ड, बिल्डिंग और इरेक्टेड, अगर ये दोनों हटा देते हैं तो बिल्ट या इरेक्टेड क्या होगा? ओके, अगर आपको लग रहा है यहां पे इट वॉज बिल्ट इजी है तो आप गलत सोच रहे हैं। एक्चुअली व्हाट इज द करेक्ट आंसर इज इरेक्टेड, बिकॉज इट इज स्टैंडिंग। और आपको बताया गया यहां पे ये टॉलेस्ट बिल्डिंग है, अगर टॉलेस्ट है तो उसकी ऊंचाई को दिखाया जा रहा है, अगर ऊंचाई को दिखाया जा रहा है तो बिल्ट को आप हाईलाइट नहीं करिए, आप किसको हाईलाइट करिए, इरेक्ट को, इरेक्ट सीधा खड़ा कर, दिस इज सो इट वॉज नॉट बिल्ट, इट वॉज इरेक्टेड ऑन द साइट ऑफ द वाल्डोर्फ एस्टोरिया होटल, यानी यह वाल्डोर्फ एस्टोरिया होटल के साइट पर स्थान पे खड़ा किया गया, तो मीन्स बनाया गया था। एंड इट टुक 410 डेज, और 410 दिन इसमें लग गए डैश कंप्लीट। ये तो आसान होना चाहिए आपको, डैश क्या फार कंप्लीट होना चाहिए, टू कंप्लीट होना चाहिए, फ्रॉम कंप्लीट होना चाहिए या इनटू कंप्लीट होना चाहिए, क्या क्या बेस्ट लग रहा है, फार कंप्लीट, क्या फार कंप्लीट हो सकता है, टू कंप्लीट क्या नहीं हो सकता है, फ्रॉम कंप्लीट क्या हो सकता है, इनटू कंप्लीट क्या हो सकता है, सोच के देखें। देखिए मैंने पहले भी कहा है द स्टूडेंट्स हु वांट टू डू बेटर आर बेस्ट इन क्लोज टेस्ट दे मस्ट हैव सम प्रॉपर नॉलेज इन प्रॉपर ग्रामर इन प्रीपोजिशंस इन व्हाट डिफरेंसेस बिटवीन द वर्ड्स इन फ्रेजल वर्ब्स यू मस्ट हैव प्रॉपर नॉलेज ऑफ दीज सेक्शंस इन ग्रामर। तो कहीं कहीं आपको यह समझना होगा कि फार नहीं हो सकता है, क्योंकि फार एक प्रीपोजिशन है, फ्रॉम नहीं हो सकता है क्योंकि फ्रॉम एक प्रीपोजिशन है, इनटू भी नहीं हो सकता है क्योंकि इनटू भी एक प्रीपोजिशन है, और ये गांठ बांध के रख लीजिए आप, यू मस्ट रिमेंबर इट दैट यू कैन नेवर यूज प्रीपोजिशन आफ्टर बिफोर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड, इफ देयर इज कंप्लीटिंग देन कैन यूज फार फ्रॉम आर इनटू, बिकॉज प्रीपोजिशंस होते हैं उनके बाद हमेशा दो ही चीज आ सकता है, या तो वो नाउन हो या नाउन की तरह कार्य करने वाला कोई शब्द जिसमें जीरंड भी आता है, ठीक है, कंप्लीटिंग जीरंड है यहां पे, कंप्लीटिंग नहीं, कंप्लीट है ना, तो एक ही ऑप्शन आपका सेट होगा टू, यानी आपको इन्फिनिटिव लेना होगा, और वैसे भी हिंदी निकालेंगे तो समझ जाएंगे कि एंड टुक 400 डेज, और 410 दिन लगे कंप्लीट करने में, यानी आपने इन्फिनिटिव यूज किया है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा ना, यानी यहां टू कंप्लीट हो जाए। ओके, द बिल्डिंग वॉज ओपेंड ऑन 1st May 1930, यानी पहली मई 1931 को बिल्डिंग खोली गई, कौन सी बिल्डिंग, द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, ये खोली गई By remote control, वो भी किसके द्वारा, remote control के द्वारा, when जब President Herbert Hoover, जब President वहां के राष्ट्रपति Herbert Hoover ने dash a button in Washington DC, जब उन्होंने Washington DC में एक बटन को क्या किया, एक बटन को प्रेसिंग किया, एक बटन को प्रेस किया, एक बटन को प्रेस्ड किया, ये तो वैसे भी कोई वर्ड नहीं है, एक बटन को प्रेस्ड किया, कौन सा हो गया, द बिल्डिंग वॉज ओपेंड ऑन 1st May 1931 बाई रिमोट कंट्रोल वेन, जब प्रेसिडेंट हर्बर्ट हूअर, अब यहां इसके बाद कभी भी प्रेसिंग नहीं आ सकता है क्योंकि ये आपको वर्ब चाहिए और ये प्रेसिंग यहां पे आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल या जीरंड हो सकता है जो कि नहीं हो, प्रेस हो ही नहीं सकता है क्योंकि वैसे भी आप देखेंगे प्रेसिडेंट हर्बर्ट हूअर सिंगुलर है, न तो प्रेसेस लिखा और न ही प्रेस लिखा है, तो प्रेस तो कभी नहीं होगा, प्रेस कोई वर्ड ही नहीं है, देन द ऑप्शन इज क्लियर दैट यू आर गोइंग टू यूज प्रेशर, यही होगा, यानी द बिल्डिंग वॉज ओपेंड ऑन 1st May 1931 बाय रिमोट कंट्रोल व्हेन प्रेसिडेंट हर्बर्ट हूअर प्रेशर, जब उन्होंने रिमोट कंट्रोल को दबाया, मींस प्रेशर ऑफ बटन इन वॉशिंगटन, जब उस रिमोट कंट्रोल के बटन को उन्होंने वॉशिंगटन डीसी में प्रेस किया, चूंकि पास्ट फॉर्म है ना यहाँ पे वॉज ओपेंड,
पास्ट है तो वैसे भी आपको समझना चाहिए था कि प्रेशर ही होगा. द स्पायर, स्पायर में शिखर जो एक पिरामिडल साइज होता है, शेप होता है, वो स्पायर होता है. तो द स्पायर ऑन टॉप वाज डिजाइन, यानी उस बिल्डिंग के शिखर पर वाज डिजाइन एक स्पायर निर्मित किया गया था, डिजाइन किया गया था एज एन एयरशिप मोरिंग मास्ट, यानी जैसे कोई एयरशिप हो, वायुयान हो, मोरिंग मास्ट जो एक स्तंभ की तरह काम कर रहा हो उस वायुयान को बांधे रखने के लिए. ठीक है, मास्ट में समझते हैं मस्तूल होता है जो बांधा जाता है वायुयान के स्तंभ की तरह, और मोरिंग वो रस्सा, वो जंजीर जिससे बांधी जाए. ठीक है, तो द स्पायर ऑन द टॉप, यानी उस बिल्डिंग के टॉप पर, कौन सी बिल्डिंग याद करें जो अभी आपने पढ़ा था, तो उस बिल्डिंग के टॉप पर जो स्पायर था यानी वो शिखर था, डिजाइंड वाज डिजाइंड, उसे डिजाइन किया गया था एज एन एयरशिप. किस रूप में डिजाइन किया गया था? एज एन एयरशिप, एक एयरशिप के रूप में मोरिंग मास्ट जो एक स्तंभ के रूप में उसे बांधे हुए था. बट लेकिन आफ्टर, लेकिन इसके बाद, इसके बाद अ जर्मन एयरशिप, एक जर्मन एयरशिप द हिंडनबर्ग, ये द हिंडनबर्ग आपका जर्मन एयरशिप के बारे में है कि जब एक जर्मन एयरशिप जिसका नाम द हिंडनबर्ग था, वो जर्मन एयरशिप बर्न, क्या हो गई, वो जल गई एट इट्स मोरिंग मास्ट इन न्यू जर्सी इन 1900. जब एक जर्मन एयरशिप जिसका नाम हिंडनबर्ग था, वो उस मोरिंग मास्ट पर न्यू जर्सी में 1937 में क्या हो गई, जल गई, तो उसके बाद द मास्ट यानी वो जो मस्तूल था, यानी वो जो मास्ट था, वाज डैश यूज्ड, यानी उस जर्मन एयरशिप के जलने के बाद वो मास्ट वाज क्या होगा, ऑलवेज यूज्ड, हमेशा यूज किया गया, वाज नेवर यूज्ड, या उसका कभी यूज नहीं किया गया, या फ्रीक्वेंटली यूज्ड, या बार बार यूज किया गया, या ऑफन यूज्ड, अक्सर यूज किया गया. कॉमन सेंस का यहां कोई आंसर नहीं है, यहां पे क्या है, आपको कॉमन सेंस लगाना है कि वो जर्मन एयरशिप अगर जो हिंडनबर्ग थी, अगर वो उस मोरिंग मास्ट पर जल गई, तो उसके बाद उस मास्ट को खोला गया होगा या नहीं खोला गया होगा, क्या किया गया होगा, कभी नहीं खोला गया होगा, रहेगा मास्ट वॉज नेवर यूज्ड फॉर मोर देन 40 years, 40 वर्षों से अधिक के समय तक द एम्पायर स्टेट, वो जो एम्पायर स्टेट था, हेल्ड द, वो बनाए रखा उसने द डैश एज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट ऑफिस और अपार्टमेंट बिल्डिंग, इन्हें विश्व की सबसे ऊंची ऑफिस के रूप में या अपार्टमेंट बिल्डिंग के रूप में करीब 40 वर्षों तक वह एम्पायर स्टेट बनाए रखा. क्या बनाए रखा? उसने अपनी पोजीशन को बनाए रखा, उसने अपने प्लेस को बनाए रखा, उसने अपने रिकॉर्ड को बनाए रखा, या उसने अपने टाइटल को बनाए रखा. ये भी कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, अगर आप न्यूज चैनल्स पे न्यूज वगैरह सुनते होंगे तो आप कुछ कर सकते हैं. टॉलेस्ट बिल्डिंग के रूप में उसने अपनी पोजीशन को बनाए रखा, होल्ड किया, या उसने अपने प्लेस को बनाए रखा, प्लेस तो नहीं होगा, प्लेस तो आप समझते हैं, उसने प्लेस नहीं बनाया होगा, उसने रिकॉर्ड बनाया होगा, रिकॉर्ड नहीं बनाया होगा, कोई दौड़ नहीं रहा है तो रिकॉर्ड बना रहा है, क्या उसने अपना टाइटल बनाया होगा? टाइटल क्या होता है, जैसे आप बॉक्सर हैं, आप बॉक्सिंग चैंपियनशिप में आप हिस्सा ले रहे हैं और आप उसकी चैंपियनशिप जीत ले रहे हैं, तो आपके पास उसका टाइटल अभी है, या फिर कोई टूर्नामेंट आप खेले उसका टाइटल है आपके पास, तो यहां पर टाइटल नहीं है. उस बिल्डिंग ने टॉलेस्ट ऑफिस होने की पोजीशन यानी अपनी स्थिति को क्या रखा, बरकरार रखा था, कितने वर्षों तक, 40 वर्षों तक, यानी यहां पोजीशन आपका बेस्ट ऑप्शन है. फिर से पूरा देखते हैं, न्यूयॉर्क टॉलेस्ट बिल्डिंग इज द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग विच स्टैंड्स ऑन 5th Avenue न्यूयॉर्क बिटवीन 33rd Street एंड 34th Street. अभी बेहतर समझ रहे होंगे आप. इट वॉज इरेक्टेड, ये सेंस आपका इरेक्टेड होता है, तो इट वॉज इरेक्टेड ऑन द साइट ऑफ द वाल्डोर्फ एस्टोरिया होटल एंड टुक 410 days, 410 दिन लगे क्या, टू कंप्लीट, क्या होने में, पूरा होने में. द बिल्डिंग वॉज ओपेंड ऑन 1st May 1931 बाई रिमोट कंट्रोल
व्हेन प्रेसिडेंट हर्बर्ट हूवर, उन्होंने क्या किया, रिमोट कंट्रोल के बटन को क्या किया जाता है, उन्होंने दबाया, पास्ट लेना है आपको तो दबाया, पास्ट इंडिफरेंट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो हर्बर्ट हूवर प्रेस्ड अ बटन इन वाशिंगटन डीसी। ओके, द स्पायर ऑन टॉप वॉज डिजाइंड एज एन एयरशिप मूरिंग मास्ट, यानी जो स्पायर का शिखर था उसके टॉप पर वो एक मूरिंग मास्ट के, एयरशिप के मूरिंग मास्ट के रूप में डिजाइन किया गया था जो उसे बांध के रखे। बट आफ्टर द जर्मन एयरशिप द हिंडनबर्ग, यानी जब एक जर्मन एयरशिप हिंडनबर्ग बर्न, क्या हो गई, जल गई एट इट्स मूरिंग मास्ट, उस स्तंभ पर इन न्यू जर्सी 1937 में, न्यू जर्सी यह स्थान का नाम है, तो द मास्ट वॉज नेवर यूज, उसे कभी भी उपयोग में नहीं लाया गया। फॉर मोर देन 40 years, करीब 40 वर्षों तक द एम्पायर स्टेट, वो जो बिल्डिंग थी, द एम्पायर स्टेट हेल्ड, ये सेकेंड फॉर्म है, हेल्ड द पोजिशन एज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट ऑफिस, यानी उसने अपनी पोजिशन को बनाए रखा कि विश्व की सबसे ऊंची ऑफिस है वो, और अपार्टमेंट बिल्डिंग या अपार्टमेंट बिल्डिंग है। ये एक पैसेज आपने किया, आप देख रहे हो धीरे धीरे चीजों को आप समझ रहे हैं, समझ रहे हैं कि हम कैसे चीजों में अंतर करें शब्दों का और कैसे उनका यूज करें, मेहनत करें, और प्लीज शेयर करते रहिएगा, जब तक मैं दूसरे पैसे पे आ रहा हूं शेयर करते रहिए ताकि और भी बच्चों तक ये चीजें पहुंच सके, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज 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 सब्सक्राइब करें ताकि चीजें और बेहतर से बेहतर आप तक पहुंच सकती हो और आपके पास इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। चलिए लास्ट पैसे देखते हैं, ये छोटा सा पैसेज था आपका, ठीक है, चलिए मेहनत करिएगा। द कैप्टन वेटेड टिल सनसेट बट शिप अप्रोच, यहां नो शिप रहना चाहिए था, बट नो शिप अप्रोच, यानी कप्तान ने करीब सनसेट तक सूर्यास्त के समय इंतजार किया, बट नो शिप अप्रोच, लेकिन वहां कोई भी शिप आती नहीं दिखाई दी। हिज ओन शिप वॉज रेक्ड, उसकी अपनी जो शिप थी वो नष्ट हो चुकी थी, तबाह हो चुकी थी। He was wondering, और वो सोच रहा था how to dash the mighty, यहां mighty होगा mighty ocean, कि वो कैसे उस mighty ocean को dot dot करे। As the shades of evening were stealing, जैसे जैसे शाम का जो अंधेरा था वो बढ़ता जा रहा था the sky आसमान में, he once more dashed towards the horizon, उसने एक बार पुनः क्षितिज की तरफ dot dot, बट नो सेल वॉज डैश, लेकिन कोई भी सेल यानी कोई भी शिप जो थी नहीं हो रही। इन डिस्पेयर, निराशा में, ही एड्रेस्ड अ म्यूट डैश टू द स्काई, उसने आसमान की तरफ एक डॉट डॉट किया, एंड प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ फॉर डेथ, और फिर मौत के लिए अपने आप को क्या कर लिया, तैयार। आप सब देखें और बोले, द कैप्टन वेटेड टिल सनसेट बट नो शिप अप्रोच, कोई भी शिप नहीं आई। His own ship was wrecked, उसकी अपनी ship नष्ट हो चुकी थी। He was wondering how to dash the mighty ocean, क्या how to scale, कैसे उसे scale किया जाए, कैसे मापा जाए उसको, how to cover, कैसे उसे ढका जाए, how to cross, कैसे उसे पार किया जाए, how to swim, कैसे तैरा जाए। Can you swim across ocean, क्या आप तैर सकते हैं, नहीं, स्केल तो वो करेगा नहीं, कवर तो कर नहीं सकता बेचारा, क्या करेगा वो, क्रॉस करेगा, स्विम करेगा, क्या करेगा। बहुत इजी ऑप्शन, मैंने ऑलरेडी आपको हिंट दे दिया है कि उस माइटी ओशन को ये सोचकर वो आश्चर्य हो रहा था कि कैसे उसे क्या करेगा वो, क्या करेगा वो, कैसे उसे क्रॉस करेगा या स्विम करेगा, क्या करेगा, कैसे उसे क्रॉस करेगा, कैसे उसे पार करेगा। As the shades of evening were stealing, dash the sky. जब शाम का साया, शाम की सामने बढ़ने वाला जो अंधकार था धीरे धीरे वो आसमान के चारों तरफ फैलने लगा तो क्या होगा, As the shades of evening were stealing, dash the sky. तो stealing, stealing across the sky होगा, stealing below the sky होगा, stealing on the sky होगा, stealing above the sky। देखिए एलिमिनेशन राउंड सीखें आप धीरे धीरे,
यदि आपको क्लोज्ड जो कि मैंने कहा है मेंस में आपको करीब 30 नंबर्स के आसपास क्लोज टेस्ट आपको दिए जाते हैं, तो आपको इस पर हर हाल में मेहनत करनी होगी। जो भी बच्चे सीएचएसएल सीजीएल या इस प्रकार के एग्जाम्स क्वालिफाई करना चाहते हैं उन्हें मस्ट यानी हर हाल में उन्हें मेहनत करनी होगी। स्पेशली क्लोज टेस्ट है, कॉम्प्रिहेंशन वैसे सारे सेगमेंट्स इंपॉर्टेंट है, बट एक कठिन है, तो थोड़ा थोड़ा करके आप सीखेंगे तो बेहतर हो सकते हैं। आप फिर से देखें तो एज द शेड्स ऑफ इवनिंग वर स्टीलिंग डैश द स्काई, क्या होगा? आन तो कतई नहीं हो सकता है, आसमान के ऊपर की बात नहीं कर रहा हूं, एबब तो कतई नहीं हो सकता, आसमान के ऊपर वो कैसे देख सकता है? जब भी होगा इन्हीं दिन में सोगा एक रास या बेलो, तो अगर अंधेरा बढ़ रहा होगा क्या आसमान के नीचे बढ़ रहा होगा क्या, या आसमान के हर तरफ बढ़ रहा होगा? कहां बढ़ रहा होगा? आसमान के चारों ओर बढ़ रहा होगा। तो क्या हो जाएगा? एज द शेड्स ऑफ इवनिंग वर स्टीलिंग एक क्रॉस, एक क्रॉस क्या होता है? एक तरफ से दूसरी तरफ, यानी हर तरफ, जैसे जैसे शाम को अंधकार क्या होने लगा, साए अंधकार के बढ़ने लगे आसमान में, ही वंस मोर, एक बार पुनः उसने डैश टुवर्ड्स द होराइज़न, उसने पुनः क्षितिज की तरफ क्या किया, विंकड यानी पलके मारी, पलके छपकाई, आंख मारी, या फिर उसने गेस्ट, उसने होराइजन की तरफ गेस किया, देखा, मूव्ड होराइजन की तरफ मूव किया, मूव तो कैसे करेगा बेचारा, जंप कूदा होराइजन की तरफ, बहुत इजी आंसर से देखें, लॉजिकल है, क्या यूज करेंगे आप? लॉजिकल पर्सन से विंग्ड होगा, गेस्ट होगा, मूव्ड होगा या जंप्ड होगा, कौन सा बेस्ट है आपके? बहुत इजी है, क्या होगा? उसने होराइजन की तरफ क्या किया, विंग किया, नहीं गेस किया ना, उसने होराइजन की तरफ देखा, गेस मीन्स एक तक देखना, उसने होराइजन की तरफ एक तरफ देखा, बट लेकिन नो सेल वास डैश, नो सेल वास कमिंग होगा, नो सेल वास अप्रोचिंग होगा, नो सेल वास सीन होगा, नो सेल वास विजिबल होगा, क्या? नो सेल वास कमिंग, नो सेल वास अप्रोचिंग, नो सेल वास सीन या नो सेल वास विजिबल, कौन सा सही है? विच इज द बेस्ट ऑप्शन? फिर से देख लें, He once more gazed towards the horizon, but no sail was coming, no sail was approaching, no sail was seen, या no sail was visible. देख, no sail was coming नहीं हो सकता है. We are not talking of the ship. हम ship की बात नहीं कर रहे जो आ रही है. अगर coming नहीं हो सकता है तो approaching भी नहीं हो सकता है. दोनों नहीं. अब हमें चूज करना है सीन या विजिबल से. आप समझ सकते हैं अगर हम पूरे एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं तो हम सीन की बात नहीं करेंगे, हम विजिबल की बात करें, यानी जो चीज हमें दृश्य हो, दिखाई दे रही हो. तो नो सेल वास विजिबल, यानी कोई भी उसकी निगाह में कोई चीज दिखाई नहीं दे रही थी, कोई सेल यानी कोई यात्रा नाव की दिखाई नहीं दे रही थी. इन डिस्पेयर, निराशा में, ही एड्रेस्ड अ म्यूट, उसने निराशा में एक चुपचाप क्या किया, उसने स्काई की तरफ देखकर उसने क्या किया, प्रेयर किया, प्रार्थना की चुपचाप, या कर्ष किया मैं श्राप दिया, थैंक्स किया धन्यवाद दिया कि आप मुझे समुद्र में डुबो रहे हो, ऑफरिंग किया मैं प्रसाद चढ़ाया, अपने आप अर्पण कर दिया, क्या किया? आसमान की तरफ देखते हुए उसने म्यूट, ये म्यूट क्लू है आपका जो उसने किया होगा. म्यूट क्या किया होगा उसने? चुपचाप प्रार्थना की होगी ना, एंड प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर डेथ, और मौत के लिए अपने आप को क्या कर लिया उसने, तैयार कर लिया. तो क्या हो जाएगा? इन डिस्पेयर, निराशा में, ही एड्रेस्ड अ म्यूट प्रेयर टू द स्काइज एंड प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर डेथ बिकॉज ही डिडंट हैव एनी अदर ऑप्शन बट डाई, क्योंकि उसके पास कोई बट टू डाई, उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था मर जाने के, क्योंकि वो समझ गया था अब वो क्रॉस उस समुद्र को नहीं कर सकता है. बट वी कैन क्रॉस द ओशन ऑफ डिफिकल्टीज, लेकिन हम कठिनाइयों के समुद्र को पार कर सकते हैं इफ वी हैव डिटर्मिनेशन जस्ट टू क्वालिफाई फॉर आवर एग्जाम्स एंड जस्ट टू वर्क हार्ड. यदि हमारे अंदर हमारे पास डिटर्मिनेशन है, हम डिटर्मिन्ड हैं दैट वी हैव टू वर्क हार्ड, कि हमें कठिन परिश्रम करना है, देन देयर इज नथिंग दैट वी कैन नॉट डू. तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम कर नहीं सकते हैं, स्पेशली इफ वी हैव डिटर्मिनेशन, इफ वी हैव the sense of hard work, if we have honesty in our work, if we have dedication, if we have devotion,
इफ वी हैव दीस थिंग्स, अगर ये चीजें हैं तो दिस पैसेज विल शोर्डनली बी इजर फॉर अस, ये हमारे लिए क्या होगा और आसान होगा। ये चीजें हैं, ये कल भी फिर से 8 बजे आपके पास रहेंगी, सीरीज थर्ड लेकर मैं आऊंगा और आपसे अपेक्षा ही नहीं, मेरा विश्वास है कि आप समझेंगे मेरी भावनाओं को, मेरी फीलिंग्स को, और इन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बच्चों को बताने की कोशिश करेंगे। ये मेरा प्रयास है जो मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं मेरी क्लासेस में भी बहुत जगह जो क्लोज टेस्ट वगैरह बहुत नहीं जानते। फिर से मैं कहूंगा, अगर आपको क्लोज टेस्ट सॉल्व करना है तो आपको क्या क्या करना होगा। सबसे पहले ग्रामर का बेहतर नॉलेज आपके पास हो, अच्छा ग्रामर जाने जिसमें टेंस आपको पता हो, सीक्वेंस ऑफ टेंस आपको पता हो, कंडीशनल अगर आपको पता हो, कास्टिक पता हो, क्वेश्चन टैग हो आपके पास, इन्वर्जन हो, सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको पता हो, ये चीजें पता हो। दूसरी आपको प्रीपोजिशंस का नॉलेज हो, कई बार देखेंगे आप ये जब प्रीपोजिशंस वगैरह यहाँ पे दे जाते हैं, कहाँ टू का पे होगा, कहाँ इनटू होगा, कहाँ फ्रॉम होगा, कहाँ विद होगा, ये सब जानना होगा। तीसरी चीज फ्रेजल वर्ब्स आपको पता हो कि कौन सी फ्रेजल वर्ब कहाँ हमको यूज करनी है, कहाँ गिव अवे होता है, कहाँ पे गिव ओवर होता है, कहाँ पे गिव अप होता है, कहाँ पे गिव इन होता है, ये जाने आप, कहाँ पे गिव वे होता है। और इनके अलावा एक कॉमन सेंस आपके पास कि हाँ ये शब्द यहाँ बेस्ट, जैसे अब यहाँ विंग्ड था, गेज्ड था, मूव्ड था, जंप्ड था, अगर वो समुद्र में घिर रहा है तो फिर मूव कैसे करेगा, वो जंप कैसे करेगा, और विंग करने का सवाल ही नहीं है क्योंकि विंग में सोता आंख मारना, क्या आंख मारेगा वो, राहुल गांधी नहीं है वो, गेज करेगा मीन्स क्या करेगा, एक टप देखेगा क्योंकि वो डिस्पेयर हो चुका है, निराश हो चुका है वो। इसीलिए इन चीजों को अगर आप तैयार करेंगे आगे आपको काम आएंगे। थैंक यू वेरी मच।